हाय गाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल का ये वीडियो पार्ट 6 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जरूर देखिएगा, जिसमें हमने 500 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में अगेन हम 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो बिल्कुल न्यू और सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जो हमने 500 क्वेश्चंस अब तक कराए हैं, उनमें इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। तो चलिए बिना डिले के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अ। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को हम और क्या भी कहते हैं? ए, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बी, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डी, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा डी, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। किसे? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 2, इन विंडोज एमई व्हाट डज एमई स्टैंड फॉर। आप देखिएगा, जो विंडोज एमई होता है उसमें एमई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, मिलेनियम एडिशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड एट द टाइम ऑफ बूटिंग। बूटिंग के टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है, इनमें से किस में? ए, रैम। बी, रोम। सी, हार्ड डिस्क। डी, कैश। राइट आंसर होगा सी, हार्ड डिस्क। यानी कि बूटिंग के टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में लोड किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर। इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? राइट आंसर होगा बी, वायरस स्कैनर। विच ओएस इज यूज्ड इन रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे रिजर्वेशन में इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है? ए, टाइम शेयरिंग। बी, मल्टीटास्किंग। सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डी, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा डी, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का रेलवे रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या है? ए, साउंड वेव्स। बी, डेटा प्रोसेसर। सी, नॉलेज प्रोसेसर। डी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। करेक्ट आंसर होगा सी, नॉलेज प्रोसेसर। मशीन लैंग्वेज इज। मशीन लैंग्वेज क्या है? ए, मशीन डिपेंडेंट। बी, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। सी, एरर प्रोन। डी, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा डी, जो मशीन लैंग्वेज होता है वो मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम और एरर प्रोन होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन। सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसमें फुल डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड है, उसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, सॉफ्टवेयर पैकेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सभी को रीड करना है वीडियो को पॉज करके। राइट आंसर होगा बी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज जनरली यूज्ड टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनमें से किस डिवाइस का यूज किया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को चेक करने के लिए? राइट आंसर होगा बी, OMR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, OCR और MICR। इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसी सेम क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन? तो राइट आंसर OMR ही होगा। क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा के एग्जाम में पूछते हैं,
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी क्वेश्चंस को भी कवर कराएं जो एग्जाम में घुमा के अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के टाइम को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी, टर्न अराउंड टाइम। विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम? यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, करेक्ट है। राइट आंसर डी होगा, बोथ बी एंड सी, यानी कि इट इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर और इट इज अंडरस्टूड बाय अ प्रोग्रामर, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की जो मेन मेमोरी होती है वो क्या है? राइट आंसर होगा ए, वोलाटाइल। व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज? एक पेज पर प्रिंटिंग एरिया के आउटसाइड यानी कि बाहर जो ब्लैंक स्पेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, मार्जिन्स। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो बहुत ही रिलायबल है लेकिन वे क्या नहीं है? राइट आंसर होगा सी, इनफेलिबल। अ प्लेस थ्रू विच डेटा कैन एंटर और लीव अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। वह प्लेस जिसके थ्रू डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकता है या लीव, क्या कहते हैं उसे? पोर्ट। राइट आंसर डी होगा। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। मेमोरी और स्टोरेज के बीच का डिफरेंस क्या होता है? जो मेमोरी होती है वो टेम्पररी होती है और स्टोरेज परमानेंट होता है, तो यही आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। वाइल वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच अमंग द फॉलोइंग इज द कमांड फॉर अंडू। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा कमांड का यूज किया जाता है अंडू के लिए? राइट आंसर होगा डी, कंट्रोल जेड। A numeric value can be treated as label value if dash precede it. एक numeric value को label value के रूप में treat किया जा सकता है यदि इसके पहले क्या हो? Right answer होगा apostrophe, ठीक है। माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज। किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी में एक्सेस के लिए यूज माउस टेक्निक है, यानी कि अगर आपको किसी भी चीज के किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी चेक करना है तो आप माउस में कौन से टेक्निक को यूज करते हैं? तो राइट आंसर होगा डी, राइट क्लिकिंग। राइट क्लिक करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और BIOS resides in। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किस में होता है? राइट आंसर होगा डी, रोम। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन अ ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड। ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी, बर्निंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTP? DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम फ्रॉम। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है असेंबली टू मशीन लैंग्वेज में। करेक्ट आंसर बी होगा। A microprocessor is the brain of the computer and is also called a। एक microprocessor computer का brain होता है और इसे हम क्या कहते हैं?
माइक्रोचिप भी कहा जाता है। द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन एमएस एक्सेल इज, एक्सेल में सेव्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .xlsx। अ सेल एंट्री कैन बी एडिटेड इन द सेल और इन द, जो भी आप किसी भी सेल में एंट्री किए रहते हैं अगर आप उसका एडिटिंग करना चाहते हैं तो उस सेल में जाके कर सकते हैं। और कहां से कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा डी, फॉर्मूला बार से, क्योंकि जो भी आप सेल में टाइप करते हैं ना वो फॉर्मूला बार में भी डिस्प्ले करता है, इसीलिए एडिटिंग का काम आप फॉर्मूला बार से भी कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल का इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है? करेक्ट आंसर होगा ए, मॉनिटरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज, इनमें से कौन सा स्टोरेज का सबसे लार्जेस्ट फॉर्म है यानी कि सबसे बड़ा? राइट आंसर होगा डी, योटाबाइट। ये सबसे बड़ा है यहाँ पे एज अ स्टोरेज। इसी सेम क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, विच वन इज द लार्जेस्ट स्पेस, यहाँ पे कौन सा सबसे लार्जेस्ट स्पेस है? तो राइट आंसर क्या होगा? पेटाबाइट, यानी कि जिसे शॉर्ट में PB कहते हैं, ये सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो सेम क्वेश्चन को एग्जाम में अलग तरीके से पूछा जा सकता है और उसके ऑप्शंस को भी चेंज किए जा सकते हैं, इसीलिए आपको कहते हैं कि एक एक ऑप्शंस को रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है? राइट आंसर होगा सी, टेक्स्ट एडिटर। विच ऑफ दिस कीज इज नॉट ऑन द नंबर कीपैड, नंबर कीपैड यानी कि 0 to 9 जो होते हैं उस पर इनमें से कौन सा की नहीं होता है? करेक्ट आंसर होगा बी, कंट्रोल। अ कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज सर्वर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जिसे सर्वर कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है वो इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ए, मिनी कंप्यूटर। डैश रिफर्स टू द अनऑथोराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन अनऑथोराइज्ड कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर को रेफर करते हैं? राइट आंसर होगा सी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फॉर्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन विथ एन ऑपरेटर सच एज, एक्सेल को अगर आप ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी सेल में यानी कि एक सेल है उसमें फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं, हमें एक ऑपरेटर से फॉर्मूला को शुरू करना चाहिए और वो ऑपरेटर इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा डी, इक्वल। जब भी आप एक्सेल पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना होता है, तभी एक्सेल को ये पता चलता है कि आप कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं। वन कंप्यूटर दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ पोर्टेबल इज, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर है जो पोर्टेबल कंसिडर नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, मिनी कंप्यूटर। विच इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे लार्जेस्ट है? करेक्ट आंसर होगा सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। गीगो, GIGO स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सारे ऑप्शंस को आपको रीड करना है। राइट आंसर होगा ए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, गीगो इनमें से किससे रिलेटेड है? करेक्ट आंसर होगा डी, एक्यूरेसी। फाइंड द ओल्ड मैन आउट, इनमें से कौन सा ओल्ड मैन आउट है यानी कि सबसे अलग है? करेक्ट आंसर होगा ए, एक्सेल। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं ये सेम है। डिजिटल डिवाइसेस इनमें से कौन सी होती है? डिजिटल क्लॉक।
विच यूनिट होल्ड्स डेटा टेम्परली, इनमें से कौन सा यूनिट है जो किसी भी डेटा को शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड कर सकता है। राइट आंसर होगा सी, प्राइमरी मेमोरी यूनिट। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होते थे उनमें इनमें से किन चीजों का यूज किया जाता था, कौन सी चीजें होती है। राइट आंसर होगा बी, वैक्यूम ट्यूब्स। आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसे वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पूछा गया है लेकिन आंसर सेम है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फर्स्ट जीएल, फर्स्ट जीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर होगा बी, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे आप फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम, इनमें से कौन सा रोम का टाइप नहीं है। पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ये तीनों रोम के ही टाइप है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रोम का टाइप नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा, डबल वी रोम, ये रोम का टाइप नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम, अब एक एक करके सभी का फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको ही बताना है। राइट आंसर क्या होगा, बी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम, ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को गेस कर सकते हैं, हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताएंगे ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। राइट आंसर होगा सी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये था पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म जो आपको पता होना चाहिए। ये सभी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर, इनमें से कौन सा बेसिक ऑपरेशन है जो सभी कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो राइट आंसर डी होगा, ये सभी, यानी कि पहला है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और स्टोरेज एंड डिवाइस, ये सभी कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इनमें से कौन सा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर था। राइट आंसर होगा ए, ए बी सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी को पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अ ग्रुप वेयर इज अ, ग्रुप वेयर क्या होता है। राइट आंसर होगा सी, सॉफ्टवेयर, अ ग्रुप वेयर इज अ सॉफ्टवेयर। ओ एस एस स्टैंड्स फॉर, ओ एस एस का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर होगा डी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो हमने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यूज, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ए, पेज व्यू, ये पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं ये है, इंसर्ट आर डैश टू इलस्ट्रेट एंड कंपेयर डेटा। अगर आप डेटा को अच्छे से कंपेयर करना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना चाहते हैं, तो इनमें से किसे इंसर्ट करने की जरूरत है। राइट आंसर होगा डी, चार्ट। चार्ट का यूज ही हम करते हैं किसी भी डेटा को कंपेयर करने के लिए और एग्जाम्पल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन और दिखाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट अ पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर होगा बी, कॉलम नंबर। स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि एक्सेल ही है। अगर एक्सेल में, एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन कौन से टर्म का यूज करके पूछा जा सकता है, ये हमने आपको शॉर्टकट की के वीडियो में बताया था।
If your computer rebooting itself, then it is likely that. यदि आपका कंप्यूटर अपने आप रीबूट हो रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है? इट हैज अ वायरस, यानी कि इसमें वायरस होने की पॉसिबिलिटी है. कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल एच का यूज किस लिए किया जाता है? सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं. सी, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब. रिप्लेस टैब एक्टिवेट क्यों रहेगा? क्योंकि कंट्रोल एच का यूज होता है रिप्लेस के लिए. अ कंप्यूटर मैसेज इज, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल्स? द यूजर क्लिक्स यस की, इट इज कॉल्ड. अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और किसी भी फाइल को जब डिलीट करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, क्या रियली में आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं जिसे आपने सिलेक्ट किया है? यूजर क्लिक करता है यस पे. इसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी, यूजर रिस्पॉन्स. विच वॉज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटानासोफ एंड क्लिफोर्ड? इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? एटानासोफ एंड क्लिफोर्ड के. राइट आंसर होगा बी, एबीसी कंप्यूटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स दैट शेयर वर्क एंड मे बी एबल टू बैक ईच अदर अप इफ वन सर्वर फेल्स? इनमें से कौन सा सर्वर का एक ग्रुप है जो वर्क शेयर करता है और यदि एक सर्वर फेल हो जाए तो अदर सर्वर एक दूसरे का बैकअप लेने में एबल हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ए, क्लस्टर. इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक ऑन द मशीन ऑन विच इट रन. यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें मशीन पर चलने वाले एवरी की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है. उसे कहा जाता है कीलॉगर. कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरूम वी कॉल्ड इट. कंप्यूटर जो टायरसम और बोर्डरूम से फ्री है, हम इसे क्या कहते हैं? डिलीजेंस. द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा इज कॉल्ड. ऐसा स्पेस जहाँ पे कंप्यूटर किसी भी डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करता है उसे कहा जाता है स्टोरेज यूनिट. अ हैकर कॉन्टैक्ट्स यू ओवर द फोन बाय ईमेल एंड ट्राइंग टू गेट योर पासवर्ड इज कॉल्ड. एक हैकर आपसे ईमेल के थ्रू फोन पर कांटेक्ट करता है और आपका पासवर्ड पाने का ट्राई करता है, तो इसे क्या कहते हैं? फिशिंग. राइट आंसर होगा सी, फिशिंग. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है. सोचिए और आंसर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी. राइट आंसर होगा सी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च. कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. दोनों सही है, दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन दिए जाते हैं आप उस पर टिक कर सकते हैं. तो ये होता है पूरा फुल फॉर्म कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं. इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप. यह कंप्यूटर पर चलने वाला फर्स्ट प्रोग्राम है, यानी कि पहला, जब कंप्यूटर बूट होता है. राइट आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम. जब कंप्यूटर बूट होता है तो पहला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम ही रन होता है किसी भी कंप्यूटर पे. माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन. माइक्रो प्रोसेसर जो है ये फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडसैक?
एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एक कंप्यूटर का ही नाम है। राइट आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विच वॉज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस, इनमें से कौन सा पहला पीसी बूट सेक्टर वायरस था। राइट आंसर होगा ए, ब्रेन। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को हम और क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, इनक्रिप्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। Which shortcut keys is used to switch between current program windows? इनमें से कौन से शॉर्टकट की का यूज करना चाहिए जब आप स्विच करना चाहते हैं करंट प्रोग्राम विंडोज के बीच में। राइट आंसर होगा बी, अल्ट प्लस एफ सिक्स। वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू एल एस आई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एच एल एल, एच डबल एल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हाई लेवल लैंग्वेज को हम शॉर्ट में एच एल एल कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मीनिंग होता है। राइट आंसर होगा डी, Restarting computer. In operating systems, which of the following is or are CPU scheduling algorithms? Operating system में इनमें से कौन सा CPU scheduling algorithms है? तो right answer होगा D, all of the above. यानी कि priority, round robin और C है shortest job first. ये तीनों सीपीयू के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस विच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो किसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इनमें से ए है ओनली द यूजर, बी ओनली द प्रोग्राम, सी both the user and the program, D none of the above. Right answer होगा C, both, यानी कि दोनों को services provide करता है user और program. What is the full form of JPEG? JPEG का full form क्या होता है? Joint Photographic Experts Group. Which of the following is not a mobile OS? इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राइट आंसर होगा बी, मोजावे। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग इवेंट्स एज दे ऑकर। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनका यूज किया जाता है किस लिए, मॉनिटरिंग इवेंट यानी कि इवेंट को मॉनिटर करने के लिए जब वे ऑकर होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट, एफ ए टी का फुल फॉर्म क्या होता है। फाइल एलोकेशन टेबल, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी टू पी, पी टू पी का फुल फॉर्म होता है पीयर टू पीयर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोप, POP का करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी, आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए इज करेक्ट। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे बैकग्राउंड कलर या कोई इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं तो वो विजिबल नहीं होता है किसमें, प्रिंट प्रीव्यू, जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं उस टाइम पे, प्रिंट अगर आप उसे कर देते हैं तब विजिबल रहता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। कैन रन ऑन पीसीज एंड लार्जर सिस्टम,
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रन कर सकते हैं पीसी में और लार्जर सिस्टम में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टीटास्किंग, इज मल्टी यूजर ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर डी होगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसे आप पीसी में रन कर सकते हैं और लार्ज सिस्टम में भी कर सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग होता है और मल्टी यूजर भी होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीएल? एपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम, बी करेक्ट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल क्यू का यूज किस लिए किया जाता है? यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं सी, अलाइन सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट। किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल क्यू का यूज करते हैं। आप में से किसको किसको लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत दिया गया है? कंट्रोल क्यू का यूज हम करते हैं किसी भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। अगर आपका कोई भी सेंटेंस, पैराग्राफ या वर्ड सेंटर में है या राइट में, अगर आप उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। आप इसका प्रैक्टिकल यूज करके जरूर देखिएगा। व्हाट डज एसएमटीपी स्टैंड फॉर? एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट डज टीसीपीआईपी स्टैंड फॉर? टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। द डैश फीचर ऑफ एमएस एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। एमएस एक्सेल की कौन सी फीचर इनमें से है जो सीरीज ऑफ डेटा को क्विकली कंप्लीट कर सकता है? तो राइट आंसर सी होगा, ऑटोफिल। इन एक्सेल यू कैन सम अ लार्ज रेंज ऑफ डेटा बाय सिंपली सिलेक्टिंग अ टूल बटन कॉल्ड। एक्सेल में आप केवल एक टूल बटन को सिलेक्ट करके डेटा की एक लार्ज रेंज का सम कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है ऑटो सम। जितने भी डेटा का आप सम निकालना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ऑटो सम बटन पे क्लिक कीजिए जो आपको होम टैब में ही मिल जाएगी, तो सारे डेटा का सम हो जाएगा एक ही बार में। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। इस क्वेश्चन का सिंपल मतलब है इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसे हम डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं वेब में? तो राइट आंसर होगा बी, HTML। HTML में कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट्स वेब पर पब्लिश किए जा सकते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वे टू रेफर द सेल A10 ऑन सीट 3 फ्रॉम सीट 1? सीट 1 से सीट 3 पर सेल A10 को रेफर करने का करेक्ट वे इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा बी। व्हिच वुड यू चूज टू क्रिएट अ बार डायग्राम? बार डायग्राम को क्रिएट करने के लिए आप इनमें से किसका यूज करेंगे? करेक्ट आंसर होगा सी, इंसर्ट देन चार्ट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम? उस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है जो रियल टाइम के टर्म्स में रीड और रिएक्ट करता है? करेक्ट आंसर होगा रियल टाइम सिस्टम। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।